today's competition. Dr. Nirmala Shyam. Dr. Nirmala Shyam, ma'am. Dr. Swati Garg, ma'am. Ms. Ankita Gupta, ma'am. Thank you so much, ma'am, for coming. The sudden outbreak of COVID-19 pandemic had a major effect on our lives. Many of us had faced challenges that were stressful, overwhelming, and caused strong emotions. So our artists had spelled out every story of hope, resilience, and inspiration that they had seen during the pandemic. So let's start. We are hoping you will enjoy the event. So our first participant is Nikhil Kumar from IGNU. Mr. Nikhil, are you there? Ankita, excuse me. Hello? Hello? Yes, please come on screen and unmute yourself. Yeah, sure. Ma'am, good afternoon, ma'am. In this pandemic situation, people are facing so many problems, like mental health is... Sorry? You can start now. ओके सो मैं ये बोल रहा था कि लाइक इस पेंडेमिक सिचुएशन में सो मैनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग और मेंटल हेल्थ उनमें से एक है. सो मेरा सिंपली पॉइंट अभी जैसे कि मैंने आर्टवर्क बनाया है इज सिंपली रिलेटेड टू फार्मर्स. लाइक फार्मर्स इस टाइम पे इन्हें लास्ट संडे 200 डेज हो चुके हैं एंड दे आर स्टिल प्रोटेस्टिंग है ना फॉर देयर राइट्स. एंड आप जान सकते हैं कि इस टाइम पे इतने सीवियर सिचुएशन में भी वो अपने घर को अपनी फैमिली से दूर होके यहाँ दिल्ली में बैठे हैं एंड उस चीज़ को फेस कर रहे हैं जो चीज़ लाइक सबके लिए एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. एक COVID-19 एक सिचुएशन ऐसी बन चुकी है इस टाइम पे बट दे आर नॉट गोइंग बैक क्योंकि उन्हें पता है कि इफ अगर वो वापसी जाते भी हैं तो उन्हें वैसे भी डेथ ही सामने मिलनी है. लाइक सुसाइड ही मिलेगी उन्हें क्योंकि COVID-19 से भी लोग मर ही रहे हैं और उन्हें वैसे भी जाके मरना ही है क्योंकि उनकी राइट्स को अगर देखा नहीं जाएगा या उनके चीज़ों को देखा नहीं जाएगा तो वो उनको सामने डेथ ही है. तो दे आर नॉट गोइंग बैक टू देयर होम्स है ना. लाइक वो भुखमरी से पहले मर जाएंगे अपनी गरीबी से पहले मर जाएंगे अगर वो इस टाइम पे अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ेंगे तो है ना. अपनी पूरी लाइफ एक फार्मर अपनी फार्मिंग को दे देता है और उसके चेहरे पे जो मैंने रिंकल्स ड्रॉ करे हैं वो उसकी लाइफ के एक एक पार्ट को एक एक सर्वाइविंग डे को शो करते हैं. लाइक हमारी तरह उनकी स्किन बहुत अच्छी नहीं होती है उनकी टैनिंग से स्किन जल जाती है और उन्हें फिर भी सर्वाइव करने के लिए लाइक उन्हें बहुत सारा महल या घर नहीं चाहिए उन्हें पैसा नहीं चाहिए उन्हें सिर्फ दो टाइम की रोटी चाहिए जिसकी वजह से वो इतना सब कुछ हार्डवर्क करते हैं है ना. लाइक एक फार्मर जो है वो एक कैक्टस की तरह है. लाइक कैक्टस जैसे रेगिस्तान में कम से कम पानी में भी उभर जाता है ना लाइक उसी की तरह हमारे फार्मर्स हैं कि जो कम से कम क्या बोलते हैं नहीं लाइक फैसिलिटीज लेके कम से कम फैसिलिटीज लेके भी इतना सब कुछ हमारे लिए कर जाते हैं. और मैम ये एक सोचने वाली बात है कि पूरे देश को खिलाने वाला एक इंसान कभी कभी भूखा भी सो जाया करता है. और इनकी अगर मैं सिचुएशन पर बात करूँ तो डेली 10 फार्मर सुसाइड करते हैं डेली. तो ये तो बहुत बड़ा एक मतलब COVID-19 से भी बड़ा ये एक सिचुएशन बनता जा रहा है. लाइक कोविड से तो लोग मरेंगे ही प्लस इसके साथ साथ लोग भुखमरी से और इससे पहले मर रहे हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोविड उन्हें मारेगा क्योंकि उन्हें पता है कि वैसे भी उन्हें मरना ही है. एक और चीज़ बोलना चाहूँगा मैम कि मैं फार्मर्स अपनी जो जितना भी कमाते हैं वो सारा का सारा अपना लोन्स वगैरह में दे देते हैं और उनकी फार्मिंग में कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी फार्म खराब हो जाते हैं उनकी क्रॉप्स एंड या फिर मतलब कि बारिश वगैरह ज़्यादा आ जाती है उनकी वजह से खराब हो जाते हैं. तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमें उनके राइट्स पे ध्यान देते हुए उन्हें भी उनके राइट्स दे देने चाहिए जैसा वो चाहते हैं उनके लिए वैसा कर देना चाहिए हमें लाइक है ना. क्योंकि वो अपनी फैमिली से भी दूर है हम कम से कम अपने घर में अपनी फैमिली के साथ तो है. इस मेंटल सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल तो करा जा सकता है लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ को समझने के लिए आज के टाइम पे कोई भी नहीं है. एट लास्ट आई विल से कि डोंट बाइट द हैंड हु फीड अस. थैंक यू मैम. Thank you so much, Nikhil. So our next participant is Nikita Day from IP College. Please, ma'am.
गुड आफ्टरनून एवरीवन. माय स्केच एम्स टू बिल्ड होप एंड रिलेसेंस इन ह्यूमैनिटी एंड टू इंस्पायर अस टू स्टे स्ट्रांग एंड सेफ. लॉकडाउन हैव इम्बाइड नेगेटिविटी इन ऑल ऑफ अस. फियर, एजिटेशन, एंजाइटी हैज आउट रूल एवरी सेंस ऑफ होप एंड करेज इन अस, एस्पेशली फॉर द कोविड पेशेंट्स. दे हैव बीन लेफ्ट अलोन इन द डार्क विद द सॉरफुल इलनेस एंड द डिमिस्ट होप. Through this illustration, I wanted to convey to the world that we all are together in this fight against COVID. The frontline workers, who have been our superheroes, have held our hands to tell the world that we are together and our strength would one day defeat COVID. In addition, the vaccine bottle and mask is to constantly remind us to keep taking precautions. Thank you. Thank you so much, Nikita. Now, our next participant is Pratibha Yadav from SPM College. Please, ma'am. First of all, I would like to thank you all teachers and the management committee of our campus state competition. I want to show my experience and I want to show my artwork. Hello, I'm audible. Hello. Yes, ma'am, you are audible. I just want to show my argument. I want to show that pandemic is ये जो हमारे मतलब हमने फील किया इस दौरान कोविड 19 के थ्रू हमने उसे ये मतलब ऐसे कोई भी आंखें नहीं थी जो अलग ना हुई, क्योंकि इसमें हर कोई इतना ज्यादा स्ट्रक हो गया मेंटली, इतना ज्यादा फिजिकली भी सब वो ही हुए थे, मतलब एक तरह से दिमाग से लेकिन फिजिकली भी साथ साथ मेंटली भी बहुत लोग डिस्टर्ब हुए थे बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से सुसाइड भी किया था लोगों ने, फिर जल्दी थी कहीं वो कोरोना से ना. I just hope आगे ये सारी सिचुएशन कंट्रोल में हो पाए. इसकी इसके लिए भी यहाँ पर मैंने अपने पेंटिंग के थ्रू दो चीज़ें दिखाई. पहले तो हमने जो दुख या जो फियर झेला वो, और साथ में हमारे जो वैक्सीन के थ्रू हमें एक ना किसान की तरह शो करता है, कि किसान एक बीज को देखता है, यानी कि जब वो खेती करता है तो जब अपने अंकुरित बीजों को देखता है तो उसको एक उम्मीद नज़र आती है, क्योंकि वो बीज क्या है वो उसकी भूख को उसके आवश्यकताओं को पूरा करेगी आगे जा करके. वो इसी तरह से ये वैक्सीन भी है कि हमें होप देती है कि आगे हम जो हो सकता है कि कोविड-19 खत्म तो होना ही है, ये तो निश्चित है, लेकिन उससे लड़ने के लिए एक उम्मीद की किरण है हमारे लिए, बिल्कुल एक बीच की तरह काम कर रहा है सरकार एक वैक्सीन. इसलिए मैंने अपनी पेंटिंग के थ्रू दोनों चीज़ें दिखाई है कि पहले तो हमने बहुत कुछ झेला लेकिन उस को झेलने के लिए शक्ति के लिए हमें उम्मीद मिल गई कि वैक्सीन आ गई है तो हम थोड़ा सा शांत हो गए कि हाँ हो सकता है तो कुछ नॉर्मल हो सकता है. थैंक यू. मैं बस ये भी बताना चाहती थी कि पेंटिंग के थ्रू. हेलो. थैंक यू सो मच प्रतिभा. सो नाउ आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज रिचा सिंह फ्रॉम एसपीएम कॉलेज. प्लीज मैम. Hi and good afternoon everyone. Hope my voice is clear to you all. Hi, good afternoon everyone. Hope you all are healthy and happy at your safe places. So I am a first year student from SPMC College and I am pursuing BA program with the combination of history and philosophy. So we all are aware of many challenges and issues that the whole world has faced during this COVID-19 period. But I found a very common issue, that is depression. Here my artwork is representing the phase of depression and disappointment that we have faced during COVID period.
During lockdown, we have heard about so many cases and reports regarding to depression that leads to suicide or to self-harm. Everybody has depressed by their own various reasons. Some has financial issues, some has family's issue, and some has unemployment issues, and many more like this. And depression doesn't seem like a huge disease or issue to our society. Our generation wanted that our society to understand that mental health is also important in life. So the person may look like normal from outside, but it doesn't mean that they are really fine from inside. And during lockdown and COVID-19 period, at least for once, but we all have been felt helpless and hopeless because of all the circumstances. And I am very grateful to all the management heads and want to thank you all to giving us this opportunity to express the issue like these through our artworks. So lastly, but not the least, I want to add some lines here. So I'm not being dramatic here, but I think this is the biggest motivational lines. So these lines are from the movie Kal Ho Na Ho. Har ghadi badal rahi hai roop zindagi. छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो ना हो सो थैंक यू ऑल होप यू विल हैव अ सेफ लॉकडाउन थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर थैंक यू सो मच रुचा नाउ आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज मिस्टर ऋतिक राहुल फ्रॉम आईआईटी दिल्ली प्लीज सर या हेलो एम आई ऑडिबल Hello. Yes, sir. Now you are audible. Yeah. So I am Ritik Rao from IIT Delhi, and for this competition, I basically divided the theme into two parts. That first one is inside the mind, and the second one is behind the mind. So in the timeless video, what currently is going on is what I am making is inside the mind one. So as to be known, ki lockdown brought many families under one home. And does it mean that it brought us closer? Living together has made a distance, and that feeling of anxious and being suppressed, agitation also grew with time in this lockdown. And as inside the mind, you can see that a woman is sitting with congested body posture. So that means that including more members in a small house makes one feel like less comfortable and more contracted. That was the part of my inside the mind. And for the behind the mind part, where I have basically portrayed the woman feeling that she faced through this lockdown. In the media also, it basically covered the business shutting down, people losing jobs. The younger generation missing out on schools, but it didn't show the feeling of a woman that she faced inside a four-walled room and just working silently for the family. So being a mother, sister, or a wife and fulfilling his responsibility is a very tough job. Even though she goes through all the trauma and stress, her primary self does not express it to others. She may feel contracted from inside, but she also act as a normal and cheerful from outside. So this was the main hope for me to draw that portraying the woman that even if she is very stressed and very congested from inside, but outside she is very, her expression is very cheerful and hope giving and inspiring. So yeah, this was my thought for this competition. Thank you so much. Sir? I guess it's my number. Yes, sir. Okay, good morning, everyone. And this is Rudransh. I'm pursuing BSc first year from Agra College. I don't have much to explain about this drawing, but simple thing is that I have never seen an old person laughing. Like I've seriously never seen an old person laughing. And this drawing was simply based on the fact that the only group of people who were happy in this lockdown were the old people.
the grandmothers and the grandparents, because their children, their grandchildren who lived far away from them, they came back to the houses. I even my father, who goes to meet his mother, that is my grandmother, she literally laughed. I've seen her laughing for the first time, and I have all like I have carried this interest in the faces of old people because I liked the details in them. I have literally a lot of drawings of old people, and this one particular was simply based on the fact that my grandmother was literally laughing for the first time because my father met her after so long, and I have never actually seen her laughing before. That's why I decided to make this one, and this is actually her, not like exactly her, but yeah, like I've tried to click a picture for her, but that was not possible for me. That's why I found a similar picture online on Google, and I found this one. This had enough details, and the thing I wanted to do, this picture had, this reference had enough. That's why I decided to make this one. And not only I could have given like many one, because I literally like them laughing. Like I have this joy inside me seeing the old people laughing. I have two or three other artworks too, similar artworks. I can literally show them right now. But fine, this one was my best one till now. That's why I've given this. Thank you so much, Rudraj. Now, our next participant is Sandhya Shahid from Shahid Rajguru College of Applied Sciences for Women. Please, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. So the emotion that I wanted to express through this artwork is anger. Pure anger, ultimate anger. I'll be honest. So at the start of the pandemic, during the first lockdown, I couldn't go home and I was stuck somewhere I wouldn't want to be stuck in. And I found like with every passing day, I felt more and more angry, more and more frustrated. I think that it was a completely helpless situation as I didn't know where all that fury was coming from. I felt exhausted all the time. And being consumed by that intense energy, I felt like I was chasing someone else. And being me felt strange. So this sketch of a child, through this sketch, I wanted to show what I felt like doing the most, that is screaming at the top of my lungs. Just meaningless things to vent that ugly frustration up. But I couldn't do that because I'm an adult. And I think during this pandemic, things would have been more easier if I was straightforward and if I was a kid like him. So that is what I wanted to express through this album. Thank you. Thank you so much, Sandhya. Our next participant is Pratiksha Anand from Atmaram Sanatan Dharam College. Please, ma'am. Good afternoon, everyone. So, in sketch, I have made portrait and I have divided it into two parts. एक left side का जो कि sad इंसान को दिखा रहा है, जबकि जो right side है, वो एक left side एक happy person को दिखा रहा है और right sad person को दिखा. तो हमारा टॉपिक था लॉकडाउन एंड इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन आवर मेंटल हेल्थ. तो काफी लोग इस पैंडेमिक में काफी लोग खुश थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी अच्छी अच्छी चीजें कर दी थी. जैसे सब लोग घर पे थे तो सब लोगों ने अपने परिवार के साथ बैठ के रामायण देखी. मैंने लेफ्ट साइड में, फिर सब लोग घर में लॉक थे तो आई हैव मेड द केज with their human. And हमने ऐसा भी देखा था कि काफी सारे जानवर सड़क पर आ गए थे और पॉल्यूशन कम हो गया था. ये सब चीजें हो रही थी. हम लोग के साथ गेम्स खेल सकते थे, साथ में एंजॉय कर सकते थे. तो ये सब एक अच्छा पार्ट था पैंडमिक का. बट ऑन द अदर हैंड इट ऑल्सो हैड डार्क साइड. तो काफी लोग डिप्रेशन, टेंशन का, जो लोग काफी इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो लोग अपनी फैमिली से बात नहीं शेयर करते हैं, लोगों को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. और दूसरी जगह जो पुअर पीपल थे उन लोग को, जो लोग जॉबलेस हो गए थे उन लोगों को माइग्रेट करना पड़ रहा था. और वहीं जो डॉक्टर्स थे वो लोग भी अपने काम में बिजी थे काफी ज्यादा. हम लोगों के लिए उन्होंने हेल्प की, तो राइट साइड मैंने वो दिखाया है. सो दिस इज ऑल माई स्केच. थैंक यू. थैंक यू सो मच, मैम. नाउ आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज विनीता फ्रॉम गांधी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी. प्लीज मैम. गुड आफ्टरनून एवरीवन.
हमारी कॉन्टेस्ट जिसका नेम था दिले दास्ता, तो मैंने उसी के ऊपर आई हैव ट्राइड टू शो द स्टोरी अ वुमेन्स हार्ट इन स्केच. आई हैव शोन इन माय स्केच दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ गर्ल्स हार्ट. एट द टॉप ऑफ माय स्केच आई हैव शोन अ वुमेन स्क्रीमिंग दैट व्हाई एवरी टाइम अ वुमेन इज टॉर्चर्ड इन सोसाइटी शी इज स्क्रीमिंग एंड आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू द पीपल दैट व्हाई नो वन लिसनिंग टू हर हार्ट. After that, in the middle, I have made a weeping eye, which shows all those sorrows in the woman's heart. A woman hides all the tears from the world throughout her life. I had tried to show those tears in my drawing, and after that, I have made a face of a scared girl, in which I try to show that when a girl's heart is completely broken from inside, then she removes her life in one corner of the world due to fear of society. एट द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से कि मैंने अपने स्केच में एक नारी के दिल की दास्तान को दर्शाने की कोशिश की है. थैंक यू. थैंक यू सो मच मैम. सो नाउ आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज विपाशना टोलिया फ्रॉम जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज. प्लीज मैम. गुड आफ्टरनून. आई एम विपाशना. सो दिस इज माई स्केच. थ्रू माई स्केच आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस द इमोशन हाउ अ पर्सन गोइंग थ्रू द कोविड प्रॉब्लम. As you can see the face of a sad person, I not particular dedicate this face to one gender but to all humans who are suffering from depression for various reasons. As you can see the major are related to COVID follows is which death, lack of job opportunity, low self-esteem, hunger and even a migraine labor problem which affects major part of our mind. On the left side, I try to show the hobbies which is helpful to overcome from depression, which are painting, planting. it is the best motivators. And on the left side, you can see the ray of hope through vaccination. That's it. That's all I want to say. Thank you. Thank you so much, ma'am. So now this was our last participant for today. So teacher is gonna start marking now, and will take 5 to 10 minutes. By that time, let's have fun for 5 minutes at least. If you people don't mind, can you please just open your camera for 1 minute? We have to take an essays for that. It's like. If you can, please do. Yeah. Thank you so much. It's like, Anchika, 26 prep is a little Lena. All the event heads and these participants. And check out my assistant, Jana. Lelia. Thank you so much, Anshika. So it's like हमने competition वगैरह सबने participate बहुत अच्छे से कर रहा था and सबका explanation बहुत सुंदर था and चलो थोड़ी देर के लिए games वगैरह खेलते हैं like एक normal सा quiz वगैरह. Okay, first question is जिसको answer बताओ आप अपना mic unmute करके answer बता सकते. So first question is Nandlal Bose कॉमा मंजीत बावा कॉमा तैयब मेहता आर फर्स्ट ऑप्शन इज क्लासिकल सिंगर सेकेंड पोएट थर्ड फोटोग्राफर फोर्थ पेंटर्स. राइटर. यस राइट आंसर. हु इज दिस. प्लीज अपना नेम भी बताना था. Oh, yes, you got the right answer, Nikhil.
So here comes the next question. It will be a little bit difficult, like. Okay. Ikebana is Japanese art of option A, paper craft, option B, dress designing, option C, miniature tree framing, a miniature tree farming, sorry, option D, flower arrangement. C. Sorry, C is the wrong answer. Flower arrangement. Yes, this is the right Well, I was answer. guessing. Okay. Now, our next question is, Worli painting is indigenous to which state? Option A, Gujarat. Option B, Rajasthan. Option C, Odisha. Option D, Maharashtra. Rajasthan, maybe. I'm sorry, this is the wrong answer. Maharashtra, Maharashtra. Maharashtra. Yes, Maharashtra is the right answer. He got the right answer. So, now next question. Madhubani, a style of folk painting, is popular in which of the following states in India? Option A, Bihar. Option B, Madhya Pradesh. Option C, West Bengal. Option D, Rajasthan. बिहार 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 अरे, बिहार इसमें तो सबके सही आंसर आए. ओके, होप यू गाइस आर एंजॉयिंग इट. लाइक, शुड आई आस्क मोर क्वेश्चंस लाइक फॉर नाउ? यस प्लीज. ओके, थैंक यू सो मच. एक मिनट. So now the question is, Pablo Picasso belonged to which country? Option A, France. Option B, Germany. Option C, Spain. Option D, Italy. इटली, आई स्पेन थिंक सो. स्पेन. यस, स्पेन इज द राइट आंसर. हु इज दिस? रिचा. राइट आंसर रिचा. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सेकंड, कोई अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढने. तो सब आंसर सही दे रहे हो. हाँ, ओके. हु इज द वॉइस बिहाइंड द ऑडियो बुक विंग्स ऑफ फायर रिटन बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम? ऑप्शन ए, ओम पुरी. ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन. ऑप्शन सी, गिरीश कर्नाड. ऑप्शन डी, हरीश भिमानी. एपीजे अब्दुल कलाम. ये तो राइटर है, इनके पीछे वॉइस किसका था जो ऑडियो बुक बना था? एपीजे अब्दुल कलाम. वो तो राइटर है मैम, इट्स लाइक जिन्होंने बुक लिखी थी, बट उनके ऊपर ऑडियो बुक बना था, तो उसमें ऑडियो किसने दी थी? अच्छा, और किसी को नहीं पता. कोई नहीं, बोल रहा अमिताभ बच्चन बोल देता हूँ मैं. योर वॉइस इज एंड ऑडिबल, लाइक हु इज देयर? अमिताभ बच्चन. वैसे इसका आंसर हमें भी नहीं पता है, तो इस लाइक आप सर्च कर सकते हैं बाद में, फ्यूचर. सो होमी व्यारावल्ला इज अक्लेम्ड एज इंडिया फर्स्ट. ऑप्शन ए, लेडी पेंटर. ऑप्शन बी, लेडी फोटो जर्नलिस्ट. ऑप्शन सी, लेडी कथक डांसर. ऑप्शन डी, लेडी प्लेबैक सिंगर. एनी गेसेस? एक गेस कर लो यार. लेडी पेंटर. नो, रॉन्ग आंसर. इट्स लेडी यार वो फोटो तो बोल जर्नलिस्ट. रहा ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द फेमस पेंटर, आई विल बी टेलिंग द नेम, इट्स लाइक जस्ट अ सेकेंड. विंसेंट वैन गोग बिलोंग टू विच कंट्री? VINCENT स्पेस VAN स्पेस GOGH. ऑप्शन ए, स्पेन.
ऑप्शन बी नेदरलैंड्स, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी फ्रांस. बी नेदरलैंड्स. नेदरलैंड्स. I guess this is Rudransh, right? Yes, yes. Okay, yeah, you got the right answer. And another one, kisi aur ne bhi bola tha. Yeah, Richa. Are Richa again? Right answer. So, next question will be. Okay, which place is famous for embroidered handkerchief? Option A, Salem. Option B, Gadwal. Option C, Tangalia. Option D, Chamba. Any guesses? Guess, I guessed it. What? Can you repeat? I think Chamba. Yes, Chamba is the right answer. Who's this? Titiksha. Yes, ma'am. You got the right answer. So now, this is the easiest question, I guess. The song Ekle Chalo Re was written by option A, Subhash Chandra Bose, option B, Ishwar Chandra Vidyasagar, option C, Rabindranath Tagore, option D, Aurobindo Ghosh. Yes, you all got the right answer. So now, okay, in which field of art did Jaminy Roy make his name? Option A, sculpture. Option B, music. Option C, painting. Option D, drama. Painting. Yes, painting is the right answer. Who's this? Michael. बहुत धीरे आवाज आई थी इसलिए सॉरी पहचान नहीं पाए. इट वाज निखिल. ओके ओके राइट आंसर निखिल. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हम पहले ही बता रहे हैं कि ना इस क्विज का ना कोई प्राइज नहीं है, ये सिर्फ हम ऐसे फिलर्स के लिए खिला रहे हैं. बाद में प्लीज ये मत कहना कि हमारे सबसे ज्यादा सही आंसर्स थे, सो वी वांट अ प्राइज. It's just a filler, ठीक है? तब तक teachers वो result announce कर देंगे. ईशा, when teachers का जब result announce करने मतलब sheet prepare हो जाए तो please एक बार इधर unmute करके बता देना. मैं इधर ही complete कर रखता है. Okay. Yeah. Thank you. Now. Who of the following painted the famous painting Guernica? Guernica. Okay? Option A, Vincent van Gogh. Option B, Rembrandt. Option C, Raphael. Okay. Raphael. Option D, Pablo Picasso. Picasso. Yes, Picasso. You got the right answer. Who's the next? Next, kisne bola tha? Okay, Richa and Rudans again. So, yes. Now, Japanese art of paper folding is known as option A. Origami. Yes, right answer. So, it's like, hum kya kare chao, chhod de. Option to bolne do, yaar. Okay, that was just a joke. Like, seriously, mat lena. Now, next question is, the city famous for its chikankari work of embroidery is option A, Ludhiana, option B, Chamba, option C, Barmer, option D, Lucknow. Lucknow. अरे यार सभी सारी आंसर दे रहे हैं. अभी रुको, मैं डिफिकल्ट वाला पूछूंगी अब. मैं ऐसे नहीं. ओके, लाइक सारे आर्टिस्ट को सारे आंसर्स पता है, मैं क्या करूं. Okay, Raghu Rai is a well-known option A, painter, option B, film director, option C, photographer, option D, sports person. He is a photographer. Right answer. Wow, kis ne diya answer? Me, Richa.
रिचा एंड निखिल. आई गेस आप सबका जीके काफी ज्यादा ही अच्छा है. यूपीएससी के तो नहीं हो ना? आई गेस ओके सॉरी. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग ए मेरे वतन के लोग. ऑप्शन ए मनोज कुमार, ऑप्शन बी प्रदीप, ऑप्शन सी शैलेंद्र, ऑप्शन डी रघुपति सहाय. ओके मनोज कुमार. नो रॉन्ग आंसर. इट्स प्रदीप. यस ये निखिल बोले आई गेस. I guess yes. अभी इधर के क्विज खत्म हो गए. एक मिनट रुको और सर्च करने दो. जस्ट 5 मिनट मोर हमको थोड़ा सा लगेगा. ठीक है अभी 5 मिनट में जजमेंट्स आ जाएंगे. ठीक है तब तक के हम और क्विज़ेस या कुछ और गेम खेलना है तो इट्स लाइक ओके नेवर हैव आई एवर खेलना है इट्स ये वाला. यू कैन जस्ट लाइक रेज योर हैंड इफ इट्स लाइक अभी आपने कभी करा हो लाइक आर्ट से रिलेटेड ही है. ओके मैंने करा बट चिल में नेवर आई हैव एवर मैं करूंगी नहीं ये चीज मैंने नहीं करी. हाँ नेवर हैव आई एवर स्पिल्ड वाटर ऑन माय कंप्लीटेड आर्टवर्क. जिसने करा है वो अपना कैमरा ऑन कर लेगा और यू कैन जस्ट इट्स लाइक चैट बॉक्स में. नॉट एक्जेक्टली ऑन माय आर्टवर्क बट इट वाज माय फ्रेंड्स वी वर इन अ कंपटीशन एंड लाइक आई स्पिल्ड वाटर ऑन हिज आर्टवर्क. Oops, like उसने बहुत गुस्सा करा होगा बहुत ज्यादा. और किसी ने oh, here comes the next participant, Richa Singh. आपने भी करा है. you're not audible. मतलब खुद पे नहीं करा था but on my sister's artwork so she had tried okay. it for the first time and I have foiled it so कोई होता होता है ऑब्वियसली जानबूझ के नहीं कर रहा होगा. मेरी सिबलिंग होती है मैं जानबूझ के करती हूँ. सो एनीवन एल्स जिसने ऐसा कुछ करा हो लाइक इट्स लाइक क्यूट. ओके दिस वन इज लाइक आई हैड डन दो बट नेवर हैव आई एवर हैड अ मेसी कॉर्नर ऑफ आर्ट. लाइक रूम का एक कॉर्नर होता है ना जो मेस्ट अप होता है आर्ट के मटेरियल आर्ट सप्लाइज से. सो मेरा तो पूरा रूम मेस्ट होता है तो यस एनीवन एल्स जिसका ऐसे ये रूम मेस्ट होता है. अगेन रुद्रांज, रिचा एंड एनीवन एल्स लाइक किसी का भाई साहब लाइक सीरियसली बहुत ज्यादा मैनेज रखते हो अपना रूम. यू कैन ऐसे अगर कैमरा ऑन नहीं करना है तो आप चैट बॉक्स में मैसेजेस डाल सकते हो लाइक कि हाँ हमने करा है. ओके एनीवन हु डू लाइक डिजिटल आर्टवर्क और समथिंग नो वन. ओके ओके निकिता दे. ओके Have you ever done like ki wrong layer pe aapka ek spot reh gaya and then you are searching all over again and again and again and again ki kahan par reh gaya ye spot? Yes, this happens quite a lot. Sometimes you are working on the wrong layer and then you are like aadha kaam hone ke baad oh gosh. Haan bahut bar hota na then I need to redo it and I need to make all those adjustments. Yeah, that's quite frustrating. Okay.
Never have I ever tore my artwork after getting frustrated. Have you ever done this? Like never. Never. Okay, that's the best thing. Like anyone else? Like किसने करा है? That's the best thing, you know. It's like अपना artwork कभी नहीं करना है ऐसे, because it's like उसमें अगर तुम रखोगे ना तो future में mistakes वगैरह check करने में काम आता है. हाँ तो so now it's like next never have I ever say for example brush है उसको आपने एक कलर में डिप करा एंड देन उसके बाद निकाल के दूसरे कलर में डिप कर दिया डायरेक्टली एंड मिक्स दैट ऑल कलर इन दैट कलर बॉटल. ऐसा करा है कभी? लाइक ये तो सबने करा होगा. ब्लैक के साथ किया है. Yes. और बाकी सब भी तो बोलो यार, नहीं कर रहा तुम? मैंने बहुत बार कर रहा. ओके, दिस इज आई गेस द फनीएस्ट थिंग, बट इज लाइक एज इफ आई एम अ चारकोल आर्टिस्ट, और बेसिकली मैं चारकोल में ज्यादा रहती हूँ, तो मुझे कलर्स के नेम याद नहीं रहते. लाइक सियान एंड पर्पल, वो बचपन वाले कलर्स याद रहते हैं, बट इतना प्रोफेशनल वाले नहीं याद रहते. इज देयर एनीवन हू इज लाइक दिस ओनली? And my friends are like, तुम तो artist हो, तुम्हें colors के name याद होने चाहिए. Oh, Titiksha and Richa and anyone else, like, yeah. People then just prejudices कि नहीं artist इनको colors के name याद होने चाहिए. Then I'm like, नहीं, मैं black and white artist हूँ. Seriously? अन्यथा, I guess that was the lame joke. I'm sorry for the delay. Like 5 minutes में आ जाएगा judgment. Yes. So now the next never have I ever. गलती से चारकोल पेंसिल यूज करी है. जब पेंसिल कलर से काम करते होते हैं तो लाइक सब खराब हो जाता है कई बार. Not exactly, but I have used blenders on charcoal, which basically ruins everything. Okay, blenders charcoal पे use होते हैं ना वो? नहीं होते, नहीं होते. Actually, it turns everything yellowish. हाँ, but okay. फिर वो समझ आएगा इस उसे करते हैं ना कॉटन से और समथिंग. हाँ, exactly. वो कॉटन से हो जाता है, but वो अगर आप उसमें आप किसी भी लाइक हार्ड ब्लेंडर से अगर यूज करोगे तो वो नहीं होगा. Okay. Yeah. Left an artwork in the middle. ये वो अच्छा नहीं बना था. Yes. Okay. आपके रखे होंगे रूम में जो इनकम्प्लीट है, एंड योर पेरेंट्स भी लाइक इनको कम्प्लीट कर लो पहले फिर नेक्स्ट स्टार्ट करना. देन यू आर लाइक दैट कांट बी. अगेन इट्स मी ऑब्वियसली. आई हैव सो मेनी ऑफ देम. सेम हियर. लाइक Okay, have you ever thought कि आपने starting में like रात में कोई सपना आया, उसमें आपको बहुत मस्त artwork दिखा, and then you think you gonna draw this, and सुबह उठ के आप तो भूल. Lunch. Okay, and where is that? Okay, anyone else? किसी का नहीं है हाथ ऊपर. अगर by chance मुझे मेरी screen छोटी है, मैं phone में use कर रही हूँ, तो किसी का हाथ ऊपर होता है मैं नहीं बोल पाती हूँ, तो प्लीज माय इवेंट हेड अंशिका ईशा एंड नैना प्लीज मेरे को रिमाइंड कर देना. ओके, सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन. कभी आर्ट सप्लाईज गिराई है? लाइक व्हेन यू जस्ट बॉट देम एंड इट्स लाइक फॉलन, इट्स लाइक गिर, एंड देन यू आर लाइक आईफोन के आईफोन गिरने से ज्यादा बड़ा हार्ट अटैक होता है कैसे. Titiksha, yes. Okay, Ranjesh, yes. मैंने पूरा कैनवास गिरा दिया था. ये मैं कुछ नहीं बोल रही. हाँ तो ये
सीरियसली क्या बोलूं, मुझे वो ज्यादा बड़ा हार्ट अटैक लग रहा है लाइक ओके फाइन, मैंने बस एक ही बार गिरा तो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, सबसे छोटा आर्ट वर्क का साइज क्या था आपका? हैव यू एवर डन मिनिएचर्स और समथिंग? सबसे छोटा आर्ट वर्क पोलराइड टाइप जो बनाते हैं वो. ओके पिक्चर लेंथ 2x2 इंच. 2x2 mm. It was like okay. Anyone else? Wanna discuss a little? No. So okay. Anyone was this much? Okay. 3 cm. 3x3. So now our next question. Isha, टीचर्स का रिजल्ट आया क्या? नो ओके, कैन यू कॉल देम फॉर लाइक आई गेस वो मीटिंग में भी नहीं है. नहीं मैम है, अंकिता मैम है. Just a minute, okay. Mic is muted. Now, am I audible to you all? Yes. Okay. Have you ever tried chalk carving? Like CHALK chalk वाला chalk होता है ना वो, इतना सा chalk carving try कर? मैंने करा है, मैंने करा है. मैंने वैसे board बनाई थी. मैंने किया है पर मुझसे हुआ नहीं था. Okay. But कोई नहीं, हो जाएगा दोबारा try करना. ठीक है, हो जाएगा. मैं तुम्हें tricks बताएगी. It's different. Okay. Have you ever regret? Okay. This one is the cute one. ये सबके साथ होता है. आपके friends ने कभी आपको request करा है free artworks के लिए for their birthdays? Always. Yes. Okay. And प्रतिभा को भी करा है, रुद्रांश, रचा, विनीता. But I'm a bit lucky in this because mera actually pura matlab most of my friend circles they are artists, like most of them, so mera thoda kam hota hai but still hota hai. Ye kahan se milte hain iske dost, hame kyun nahi mile? Nahi mere ko to unhone hi sikhaya hai, like bachpan se main unse hi sikha hu, tab to kafi acche hain wo log. To bad guy, my artist friend bhi to hamara artwork bana ke na practice kar sakti hai, to hamara portrait bana ke. लड़ाई हो जाती है. ओ यस यार, हमेशा लड़ाई हो जाती है तो आई प्रेफर लड़ाई. हां ओके नेक्स्ट वी लाइक सोचने दो यार, इतना दिमाग में नहीं आ रहा है. ओके हैव यू एवर रिग्रेटेड आफ्टर गिफ्टिंग समवन देयर आर्टवर्क? लाइक पोर्ट्रेट हम जब गिफ्ट करते थे उसके बाद इसको क्यों बना के दे दिया झगड़े के बाद? हाँ, जब बहुत ज्यादा अच्छा बनता है ना, दुख होता है कि क्यों दे दिया उसको, बना के क्यों दिया, ऐसा लगता है. हाँ, रिचा का भी हैंड रेज है. एनीवन एल्स? रिचा लगता है ये क्यों दिया. सीरियसली निखिल सही बोल रहा है ना, तो देन वी आर लाइक इसको दिया, इससे अच्छा तो मैं बना के एग्जीबिशन बना के इसको क्यों दिया. सच में यहाँ ने तो पूरा ऐसा टाइम वेस्ट कर दिया उसके पीछे. ओके अगर आपने कमीशन वर्क कराओ तो ऐसे इट्स जस्ट ऐसे मजाक के लिए, इतना सीरियसली मत लेना. आपने जैसे कमीशन वर्क कराओ एंड देन उसका पोर्ट्रेट पर्सन काफी अच्छा लग रहा है, देन पोर्ट्रेट बहुत अच्छा बन गया, नहीं लाइक कि पैसे वैसे छोड़ो मैं इस पोर्ट्रेट को रख लेता हूं, रख लेती करा ऐसा निकलने का रहा है उनका हैंड रेज. एनीवन एल्स? Any bigger.
मन करा है बट रखा नहीं है ऑब्वियसली, नहीं तो बहुत सुना दिया। किसी ने नहीं करा। आई गेस आप सबके आर्टवर्क इतने ज्यादा अच्छे रहे थे, टीचर्स को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, डोंट माइंड दैट, इट्स लाइक हम 5 मिनट्स में अनाउंस कर देंगे, सॉरी फॉर द डिले। सो देन उसके बाद योर फेवरेट प्लेस टू बाय आर्ट सप्लाइज। हॉबी क्राफ्ट लाइक सीरियसली दैट प्लेस इज जस्ट टू गुड। प्लेस का नाम भी बताने का, लाइक फॉर हॉबी एग्जांपल इफ यू आर क्राफ्ट नॉट फ्रॉम इंडिया, दिल्ली। हॉबी क्राफ्ट इंडिया, इट्स इन दिल्ली। आई एम फ्रॉम आगरा एंड आई हैव बीन दिल्ली टू वन जस्ट फॉर दैट शॉप। लाइक सीरियसली दैट शॉप इज हेवन फॉर अस ऑल। एनीबॉडी लिविंग इन दिल्ली आई वुड सजेस्ट यू लाइक प्लीज वहां पे जाओ देखो यार, वो बहुत अच्छी जगह है सीरियसली। वो जैसे हार्ड टू फाइंड है, वो इतना इजीली मिलेगी नहीं, बट वंस यू गेट देयर वो बहुत प्यारी जगह है। डन, तुम इसे क्या कहते हैं ग्रुप पे डालना है इस चीज को। विच प्लेस इन दिल्ली? नो आई कांट एग्जैक्टली रिमेम्बर द एड्रेस, बट वो हॉबी क्राफ्ट इंडिया, इट्स नेम इज हॉबी क्राफ्ट इंडिया एंड लाइक सीरियसली वो काफी अच्छी जगह है। मेरा तो हमेशा ये होता है चांदनी चौक, नई सड़क, खालसा, आई गेस। और किस किस का होता है ये वाला? खालसा और जीपी स्टेशनरी ऑलवेज। हमारा वही होता है बेसिकली। एनीवन एल्स? दीदी हमने तो कॉलेज के दर्शन ही नहीं किए अभी तक। यू आर फ्रॉम फर्स्ट? ओके, फर्स्ट ईयर्स कौन से हैं यहाँ पे? ऐसे ही हम उनको अलग से वेलकम करना चाहेंगे। रुद्रांश, तितिक्षा, यार इंदर ना दिख नहीं रहा है, तुम ना क्या कहते हैं चैट बॉक्स में भी लिख दो हैंडल। ओके, नितिका, निकिता, सॉरी ऋचा, निकिता, ऋचा, कैसा चल रहा है तुम्हारा ऋचा सिंह? ओके, लाइक बहुत बुरा सा लग रहा होगा ना फर्स्ट ईयर में नहीं है? हमें भी बुरा लग रहा है, तुम्हें फ्रेशर्स नहीं मिली, हमें फेयरवेल नहीं मिली, नहीं मिलेगी आने तो। कोई नहीं, होता है COVID-19 में। बाकी सब अपना घर पे ध्यान रखना, घर पे ही रहना, कॉलेज तो खुल जाएगा, पास आउट होने के बाद आ जाना बेटे। ओके अंशिका, ये तो रह गए हमारी इवेंट हेड की अंशिका एंड में ना, वो फर्स्ट ईयर में है, तो दे बोथ आर लाइक सीनियर्स, हमें आना है कॉलेज, बट वी आर लाइक नहीं, इट्स बेटर टू स्टे इट नाउ। नेक्स्ट, हैव यू एवर ट्राइड टू डू अ न्यू आर्ट फॉर्म एंड देन एंडिंग अप डूइंग द सेम स्टाइल और इट्स लाइक जो आप पहले करते थे? यस, मधुबनी ट्राई कर रहा था, एक्रेलिक से पेंटिंग बन गई। ओके, आप पेंटिंग ट्राई कर रहे थे, कौन सी? मधुबनी आर्ट ट्राई कर रहा था कंपटीशन में, पेंटिंग बन गई, आई ट्राइड दैट और फिर ड्रिप भी प्राइज आ पेंटिंग। गया। दोनों की वॉइस क्लैश कर गई। पहले निखिल आप बोले, फिर रुद्रांश आप कंप्लीट करना, ठीक है? मैं बोला था कि एक बार मधुबनी आर्ट ट्राई कर रहा था कंपटीशन में और एक्रेलिक से हाँ। पेंटिंग बन गई पूरी और उसमें भी प्राइज आ गया। ओ, तो बढ़िया यार। नाउ रुद्रांश आप। आई ट्राइड दैट ड्रिप पेंटिंग, वो जो कप से पोर पेंटिंग होती है ना, मैंने वो करी थी बट वो पूरी मैसअप हो गई थी, देन इन द एंड उसको वही एक्रेलिक करना पड़ा पूरा वापस से। हाँ, ये चीज मैंने बहुत सुनी है। जैसे हम लास्ट ईयर जैसे एग्जीबिशंस वगैरह में जाते थे, तो होता क्या था कि आर्टवर्क्स वगैरह देखा, तो बहुत सारे आर्टिस्ट से पूछा कि ये कैसे बना है, दे वर लाइक यू आर ड्राइंग समथिंग एल्स एंड एंडिंग अप डूइंग द सेम थिंग। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आपने ड्रिप आर्ट ट्राई करा, तो बनाया ड्रिप आर्ट, देन उसके बाद मेस्ड अप हो गया, तो कुछ और। ओके, सो रिजल्ट आ चुका है, लेट्स जस्ट, 2 मिनट का देरी है, बस अभी स्टार्ट करते हैं हम। 2 मिनट।
सो जिसका सभी को इंतजार था अब वो घड़ी आ गई है. सो नाउ आई इनवाइट स्वाति मैम टू अनाउंस. हेलो Nirmala ma'am is also here. Yes. Ma'am, if you can put on your camera. Yeah. So congratulations to all the participants. You've done brilliantly and believe us, it was very difficult for all three of us to actually judge this competition. Bahut acha tha sabka. Bahut difficult tha hamare liye judging. I hope the other judges will also agree with me. And that is why definitely yes, we took a lot of time because it was really difficult to judge you because you all were really great, wonderful artwork. Congratulations to all of you. Very creative, beautiful thought that you put in into your sketching and brilliant strokes. Bahut amazing the aap sabke. So congratulations to all of you. We as judges have to declare the first, second and third positions, right? But for us, all of you are winners. So those who do not get the position, please don't lose heart. It was just some margin of difference between few of the participants. So shall we declare the result now? Yes. Yeah. Okay. Starting with the third position, Pratibha Yadav has got the third position. Congratulations, Pratibha. Congratulations, Pratibha. Can we all clap for her? Thank you so much, ma'am. Taking turn on your camera for this. Thank you yes, so much. Yes, please, ma'am. Everyone, turn your cameras if possible. Okay. Then the second position. Position holder is Richa Singh has got the second position. Congratulations, Richa. Congratulations. Now, any guesses for the first one? So, the first position holder, the winner is Ritik Rahul. Amazing artwork, Ritik. And many congratulations, Ritik. Yes, thank you, ma'am. Thank you. Congratulations, Ritik. Thank you, ma'am. Congratulations, Ritik. Amazing strokes and amazing art process, back of the mind. Please switch on your cameras. So congratulations, Ritik, you got the first position. Congratulations to all the participants. And thank you for giving us this opportunity to be judges in this competition. All the best, everyone. And thank you so much. Thank you again for acting yourself in our competition. The time and dedication made it possible for us to reward students for their creative efforts. Thank you so much to all the participants and thank you so much to our event heads, Ms. Anshika Thakkar, Ms. Nana, Ms. Isha. Thank you so much. And this PPT was presented by Ms. Anshika. And thank you so much for managing all this so beautifully. Thank you so much. So, now you can leave and we will contact you in the groups. Thank you so much. Please, Anshika, end this meeting. And it's like save kar lena wo video jo record hui hai pehle.